मेरा नाम राज ठाकुर है, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूं। और जहां तक इस फिल्म की बात है, ये फिल्म एक सस्पेंस बेस्ड फिल्म है, जिसे हम मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं। स्टार्ट होती है ये बड़े खास अंदाज में, फैशन बेस्ड है और काफी सिल्की टच दिया हुआ है स्टार्टिंग में इसको, जो ग्रेजुअली उसमें कुछ ऐसे चीजें आती हैं जिसकी वजह से फिल्म एक ऐसे मोड पे चली जाती है जहां से हर चीज डिस्ट्रक्टिव और डिवास्टेटिंग दिखने लगती है। और जहां तक फिल्म की बात है, इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि एक्शन रोमांस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनको फ्लेवर को इक्वली मिक्स करके कुछ ऐसा प्रपोर्शन तैयार करने की कोशिश की है कि जिससे लोगों का शुद्ध हिंदी में बोलें कि पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ऐसी है कि ट्रीटमेंट वाइज इट विल बी अ फ्री टू वॉच। फिल्म का नाम रखा है हमने हंट द शिकार। बेसिकली जोनर की फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर है और एक मॉडल्स के ऊपर स्टोरी बेस कर रही है, मर्डर मिस्ट्री है। तो हंट द शिकार लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा टाइटल, कि कैसे फिल्म का एक नेगेटिव कैरेक्टर उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हो गया, किस तरह से उसको हासिल करना चाहता है, मतलब वो शिकार उसका कैसे करना चाहता है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टाइटल। स्टारकास्ट काफी बड़ी लग रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलें हुई स्टारकास्ट फाइनलाइज करने के लिए? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊंगा कि जब पहली बार प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक तो ये कि इससे पहले आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, दूसरी बात जब आप नयों को लेते हैं और आपके पास चीजें जब कम होती है, बजट जब कम होता है ना, तब अच्छे लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो वो तकलीफ ज्यादा आई कि अच्छे लोग भी चाहिए और कम पैसे में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसकी मेकिंग बहुत अच्छी करूं और रिलीजिंग पे बहुत अच्छा पैसा खर्च करें। बाकी सब चीजों के लिए मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि बस मेरे साथ इतना करना कि हम इसकी मेकिंग अच्छी कर लें और रिलीजिंग बहुत अच्छी करें, ताकि सबको बेनिफिट मिले इसका। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप टेलीविजन की दुनिया से फिल्मी दुनिया में आ रहे हैं, बिल्कुल, तो किस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर हैं, अपने आपको कैसे इतना देखते हैं? सर, सच बात तो यह है कि मुझे हर इंसान बड़े पर्दे के बारे में, मतलब उसी की वजह से आता है और वही करता है। तो मैं भी परेशान था कि छोटे पर्दे से मैं कब निकलूं, मुझे मौका मिले और बड़े पर्दे की तरफ मैं पहुंचूं, क्योंकि सब आखिर वहीं जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैंने सीरियल भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं, बीच में एकदम ड्रॉप कर दिया, थोड़ी सी तकलीफें आई। मुझे पता था कि जब तक कुछ हासिल तभी होगा जब आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो रिस्क लेना मेरे लिए जरूरी था। एक गैप किया मैंने लंबा अपने काम में सीरियल के, और फिल्म के पीछे पूरी तरह से जुट गया मैं। तो कब तक आप जाना चाह रहे हैं इसमें? 27 मार्च या फिर फर्स्ट वीक। एक रोमांटिक गाना है, बहुत ही रोमांटिक सिचुएशन है जैसा कि मैंने कहा, और गाने के अंदर ड्रामा है, पैशनेट है काफी, तो सारी चीजें हैं। आप यहाँ क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, आप यहाँ है, गाना भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो ऑडियंस के लिए दो लाइनें अगर आप गुनगुना दे तो। ओके। दिल में तेरे इतनी तो होगी जगह, रहने दे मुझको, रहने दे, हाँ रहने दे मुझको, रहने दे। जावेद अली ने गाना गाया और ये 2016 की सुपर डुपर हिट फिल्म है, विद इन आवर बजट। एंड इसमें सब एंगल्स फिल्म्स में जो जो लगते हैं सब है, लव स्टोरी से लेके क्राइम थ्रिलर तक, सस्पेंस तक, जो भी चाहिए सब है। और प्रेक्षक इस फिल्म को ये साल में अवार्ड देंगे। वेल, जैसे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बताया, ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, उसके अलावा इसमें लव है, एक्शन है, रोमांस है, फुली मसाला फिल्म है, और अच्छी होगी आई एम श्योर। आज ही जैसे आपको पता चला रिकॉर्डिंग है, जावेद जी ने एक रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, तो गाने भी बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा भी 4-5 गाने और हैं। आई एम प्लेइंग द लीड ऑफ दिस फिल्म, कैरेक्टर नेम इज नेहा। कैरेक्टर बहुत क्यूट, स्वीट, बबली, बट कहीं ना कहीं एक हल्का सा ट्विस्ट है, दैट आई कांट से। मूवी जैसे सबने बोला है, सस्पेंस थ्रिलर, थोड़ा फैशन बेस, क्यूट मूवी, बट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज। मैं कैरेक्टर को लेकर पूरा जिस तरह का लुक, जिस तरह का जो परफॉर्मेंस चाहिए, उसी की मैं पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं तय कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट बेस्ट बेस्ट